भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। तहसील जेवर के गांव थोरा में पूर्व सैनिक विकास समिति के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने बड़ी धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। 26 जनवरी के अवसर पर सभी पूर्व सैनिक राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नजर आए, जिन्होंने ध्वजारोहण के बाद अपने विचार प्रस्तुत किए। शाहिस्त खान 6 फुट लंबा जवान और शिवाजी 4.5 फुट के, धोखे से बुलाया करने, उसने गला दबाने की कोशिश करी। शिवाजी जरा नीचे होके बकरंत निकाल करके उसका पेट फाड़ दिया जो 7 फुट 6 फुट का। दूसरी बात ये है, जो जान में जिन भाइयों ने हमारे संगठन की मदद की है, उनको भी मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं है, साथ ही मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। यानी कि फौजी जवान कितनी कितना उत्साह है इस उम्र में भी देश के प्रति जो प्रेम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। हमारा जो महापर्व है देश का गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी जो मनाने का है, आज वो 26 जनवरी हमने मनाई है और इसको हम हर साल मनाते हैं। हम एक सर्विसमैन अपने दायित्व को फौज के टाइम पे जब रहे तब भी हम नहीं बोले और अब रिटायर हो चुके हैं अब भी हम नहीं बोल रहे हैं। हमको देश सेवा बहुत ही प्रिय है। अगर सरकार आज भी हमको देश के लड़ने के लिए बुलाती है तो हम अपने तहे दिल से स्वभाव के अनुसार वीर शक्ति के साथ हम देश में लड़ना चाहेंगे। तो हमारी जो देशभक्ति है आपके सामने थी, आपने देखा भी था, हमारे बुजुर्ग लोग भी किस उत्साह के साथ में अपना देशभक्ति के लिए प्रवचन दे रहे थे। साथ में हमारा जो देश है विकास समिति का, हमारे सर्विसमैन एक सर्विसमैन उनकी कोई पारिवारिक समस्या हो, उनके बच्चों की कोई समस्या हो या किसी तरह की बीमारी की कोई समस्या हो, उसको लेकर के हम एक समाधान के रूप में चलते हैं। हम सब एक हैं, हम एक वाणी में रहते हैं, एक शब्द जो हमने कह दिया वो अटल रहेगा, हमारे सभी साथी उस पर चलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। इसके अलावा पूर्व सैनिकों की एक अन्य संस्था पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा फहराया एवं राष्ट्रहित में अपना सम्मान व्यक्त किया। और अगर उन चिट्ठियों को देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि शायद ये चिट्ठी आर्मी हेडक्वार्टर से जारी हुई है। क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। साइन की हुई चिट्ठियां आती है और जब उसके विषय में जानकारी निकाली जाती है तो चिट्ठी फ्रॉड होती है। पूर्व सैनिकों की यह संस्था समय समय पर सेना से रिटायर हो चुके बुजुर्ग पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों के हित में निरंतर कार्य कर रही हैं। नितेश छोंकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।